हेलो दोस्तों, डेली हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वैक्सीन के बाद होने वाली फुंसियाँ या फिर रेडनेस को दूर करने के कुछ आसान से उपाय। जी हाँ फ्रेंड्स, अनचाहे बालों को दूर करने के लिए हम वैक्स करवाते हैं या फिर हम खुद कर लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कई बार वैक्सीन करवाने के बाद कई लड़कियों व महिलाओं को स्किन पर कई तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि त्वचा पर लालिमा आना, निशान पर जाना, जलन, सूजन व खुजली होना या फिर रैशेस की प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। ऐसे में फ्रेंड्स कई बार तो ये रैशेस और दाने कुछ ही देर में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार ये ज़्यादा टाइम तक भी बने रहते हैं। इन दानों में दर्द तो नहीं होता है, लेकिन इनमें खुजली ज़रूर होती है, साथ ही त्वचा भी स्मूथ नज़र नहीं आती हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम खासतौर पर पीठ और साथ ही बाहों के ऊपरी हिस्से में होती हैं। फ्रेंड्स कुछ लोगों को तो ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उन्हें डॉक्टर के पास जाने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत सीरियस नहीं है तो आज के इस वीडियो में बताए जाने वाले इन उपायों को अपनाकर आप इन दानों और साथ ही रैशेस से बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से छुटकारा पा सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आप वैक्सीन करने व करवाने के बाद इन समस्याओं को दूर करना चाहती हैं तो वीडियो में बताए गए उपायों को ज़रूर आजमाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों सब्सक्राइब करें डेली हेल्थ टिप्स को, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपके लिए वैक्सीन करवाना बहुत ज़रूरी नहीं है तो आप पीरियड्स के दिनों में वैक्स करवाने या फिर करने से बचें, क्योंकि दोस्तों इन दिनों में हमारा शरीर हार्मोनल बदलाव के चलते बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव या फिर कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन और साथ ही वैक्स करने के टाइम पे आपको दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप इन इन्फेक्शन के होने से बचने के लिए और साथ ही वैक्सीन के दौरान होने वाले दर्द से बचने के लिए आप वैक्सीन पीरियड्स स्टार्ट होने के पहले करवाएँ या तो फिर आप पीरियड्स होने के बाद करवाएँ। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ तरीका है। फ्रेंड्स आप एक बात का ख्याल रखें, वैक्स कराने के तुरंत बाद गर्म माहौल में जाने से बचें, क्योंकि फ्रेंड दरअसल वैक्स कराने के बाद हमारे स्किन के पोर्स खुल जाते हैं। ऐसे में बहुत अधिक गर्म और साथ ही प्रदूषण या फिर पॉल्यूशन वाली जगह पर जाने से हमारे स्किन के पोर्स में गंदगी भर जाती है। गंदगी से हमारे स्किन पर फोड़ी फुंसियाँ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आप वैक्सीन करवाने के दूसरे या फिर तीसरे दिन बाहर जा सकते हैं, आपको इससे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों हाथों और पैरों की वैक्सीन कराने के बाद उन हिस्सों पर आप कोल्ड क्रीम लगाएं। आप चाहे तो वैक्सीन के बाद उन हिस्सों पर टी ट्री ऑयल भी लगा सकती हैं। ये तेल एंटीबैक्टीरियल और साथ ही एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी से भरपूर होता है, जो कि दोस्तों वैक्सीन कराने के बाद होने वाली खुजली व सूजन को कम करने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। दोस्तों आप टी ट्री ऑयल को यूज़ करने के लिए इस तेल की 20 बूंदों को थोड़े से गर्म पानी में मिलाएं। अब इस गर्म पानी में एक मुलायम कपड़ा या फिर कॉटन को लेकर डुबोएं, और अब आप इस कपड़े को अपने इफेक्टेड एरिया पर लगाएं और हल्के से रगड़ें। इससे फ्रेंड्स आपकी खुजली और साथ ही सूजन या फिर रेडनेस दूर हो जाएगी और आपको काफ़ी आराम महसूस होगा। फ्रेंड्स वैक्स करने के बाद अगर आपके स्किन में खुजली हो रही हो तो आप नारियल के तेल का भी यूज़ कर सकती हैं। जी हाँ, क्योंकि फ्रेंड इस तेल में एंटी फंगल और साथ ही एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मौजूद होते हैं। इस तेल को यूज़ करने के लिए आप इस तेल में चीनी को डालें और इस मिश्रण को स्क्रब की तरह अपने स्किन पर अप्लाई कीजिए और इसे इस्तेमाल करें, इससे आपकी खुजली कम हो जाएगी। फ्रेंड्स अगर वैक्स करने के बाद आपको दाने हो गए हो तो इन जगहों पर एंटीबायोटिक क्रीम या फिर लोशन का इस्तेमाल करें, इससे खुजली नहीं होगी और गर्म वैक्स से होने वाले दाग धब्बे बनने का खतरा भी नहीं रहेगा। इसीलिए फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स आप याद रखिए, वैक्सीन के बाद अगर दाने हो गए हैं या फिर रैशेस की प्रॉब्लम हो गई हो तो आप कुछ दिनों तक अफेक्टेड एरिया पर साबुन लगाने से बचें। अगर आपको साबुन का इस्तेमाल करना ही है तो आप कोई भी क्रीम बेस्ड और साथ ही माइल्ड सोप का यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आप नॉर्मल से साबुन का यूज़ ना करें। फ्रेंड्स वैक्स करने के बाद स्किन पर रैशेस हो गए हो तो इस दौरान आप गीले और साथ ही कॉटन के कपड़े पहनें, क्योंकि बहुत टाइट कपड़े पहनने से रैशेस और साथ ही दानों की प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप थोड़े से ढीले कपड़े और साथ ही कॉटन के कपड़े पहनें, इससे आपकी प्रॉब्लम जल्दी ही ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स वैक्स करने के बाद खुजली या फिर दाने हुए हो तो उस जगह पर बर्फ़ यानी कि आइस का इस्तेमाल करें, इससे दाने दब जाएंगे और साथ ही फ्रेंड्स आपकी खुजली भी कम होगी। और हाँ फ्रेंड्स, आप बर्फ़ लगाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना ना भूलें, इससे आपकी स्किन को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और वो डैमेज होने से भी बच जाएगी। फ्रेंड्स वैक्स करने के बाद अगर आपके स्किन पर कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो तो आप एक बात का खास ख्याल रखें कि उन दानों को नाखून से खुजलाएं नहीं,
वरना ये दाने पक भी सकते हैं और साथ ही दाग भी बन सकता है। इसके लिए आप किसी ऑइंटमेंट या फिर लोशन या फिर टी ट्री ऑयल का यूज़ कीजिए, लेकिन फ्रेंड्स भूल कर भी उसे खुजलाएं नहीं। फ्रेंड्स सबसे लास्ट में आप एस्पिरिन और साथ ही हनी यानी कि शहद का यूज़ कीजिए। जी हाँ फ्रेंड, आप वैक्स के बाद होने वाली खुजली को दूर करने के लिए एस्पिरिन की गोली और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके लिए आप 3 एस्पिरिन के टैबलेट्स लीजिए और इन्हें पाउडर बना लीजिए, और इस पाउडर में आप 1 चम्मच हनी या फिर शहद को ऐड कीजिए और साथ में थोड़ा सा पानी को मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट जैसा बना लीजिए। उसके बाद आप इस पेस्ट को खुजली वाली जगह पर अप्लाई कीजिए, इससे आपकी खुजली और साथ ही रेडनेस दूर हो जाएगी और आपको काफ़ी आराम महसूस होगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको भी वैक्सिंग करने के बाद फुंसियाँ या फिर रेडनेस आती हैं तो ऐसे में आज के इस वीडियो में बताए हुए इन उपायों को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही इफेक्टिव है और आपको काफ़ी फायदा पहुँचाएंगे। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक के लिए यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।